ये जो बेड है इसकी जो विड्थ है टोटल 10 फीट है, ठीक है, और इसको हमने 3 कलर में बनाया है, क्रीम कलर, ब्राउन कलर एंड गोल्डन मेटालिक हमने इसमें कवर किया। अच्छा। और फैब्रिक भी हमने उससे कुछ मिलता जुलता ही लिया कि कुछ थोड़ा सा एक थीम बन जाएगी पूरी। और तीसरे इसमें जो डिफरेंस आएगा, हमने इसके जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनाया, प्लेन ना करके हमने इसमें थोड़ा सा मोल्डिंग का वर्क दिया हुआ है। अच्छा। वो भी डुअल कलर में हमने इसमें किया। ऑलराइट, ठीक है। ये गोल्डन जैसा है पर ये एक्चुअली ब्राउन जैसा है। गोल्डन मास्टर बेडरूम का है, क्या साइज है इसका? 10 फीट है। ओके डन। ये एक और मास्टर बेडरूम का है, मतलब इस इतना हाइटेड है कि इसमें पैनलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये इसी के लिए बनाया है हमने, जैसे आजकल जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैनलिंग, नॉर्मल बेड को ही अगर पूरे रूम में कवर करना चाहते हैं तो उन कस्टमर्स के लिए है। ये भी एक्चुअल में किसी कस्टमर ने बनवाया ही है, तो हमने इसको अभी डिस्प्ले में रखा हुआ है। इसकी जो हाइट है 7 फीट है। अच्छा। कोई कस्टमर चाहता है कि इसकी हाइट 8 फीट 9 फीट हो जाए तो उतना भी हो सकता है। ओके। उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। बीच में हमने गोल्डन एसेस यूज़ किया, फैब्रिक जो है लेदर स्वेड है जी, और इसकी जो साइड टेबल्स है वो हमने थोड़े छोटे साइज की रखी है ये वाली। अच्छा। उसको बेड के हाइट की ना करके छोटे हाइट की कर दें, क्योंकि बेड के हाइट की करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। स्केल आपने उसका थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, राइट, अदरवाइज ये बहुत हेवी लगता था। हाँ जी। और इसमें एक चीज और भी है, इसके जो बॉक्सेस के बॉर्डर पे भी हमने एसएस यूज किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, अच्छा, नीचे ये नीचे एसएस यूज किया हुआ है सारा। ओके, ठीक है। लेदराइट इसमें यूज किया, आप चाहे तो इसमें स्वेड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये लेदर स्वेड ही है। अच्छा, ये स्वेड है। ओके, मुझे लगा लेदराइट है। स्वेड लेदर है। अच्छा। लेदर जैसे दिखता है, इजी क्लीन होता है, कॉलिंस वगैरह से किसी से भी साफ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। इसमें हमारे पास कलर वेरिएशन कितने हैं? इसमें कलर वेरिएशन अगर इसी फैब्रिक के फाइल की बात करें तो 10-12 कलर्स है। 10-12 कलर्स। बाकी आप अपनी चॉइस से और फैब्रिक चाहें तो वो कोई भी कलर लगा सकते हैं। और मेटल में भी हमारे पास कलर सारे बहुत सारे हैं। डन। ये किंग साइज है? ये किंग साइज बेड है। फेवरेट बिकॉज आई लाइक इट फॉर द सिंपलिसिटी। और मेटल आपने थोड़ा पतला कर दिया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस कि मेटल स्ट्रिप जो है वो थोड़ी पतली कर दी है ना। जिनको ज़्यादा मेटल पसंद नहीं हो ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें गेटअप भी आती है, हर बेड के ऊपर सूट नहीं करता मोटा मेटल, आप उसको कम भी कर सकते हो, थिकनेस जैसे कम कर दिया अगर मेटल की तो वो भी अच्छा लगता है। अब इस डिजाइन को अगर आप देखेंगे तो इस डिजाइन में अगर आप मोटा मेटल करते तो वो शायद नहीं अच्छा लगता। बड़ा साइज का हेडबोर्ड है तो आप मोटे लगाते हैं, छोटा हेडबोर्ड है तो छोटे लगाते हैं? नहीं, एक्चुअल में डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। अच्छा, ठीक है। तो ये भी हमने मेटालिक कलर के अंदर बनाया है। इसका जो कलर है ये शैंपेन कलर बोलते हैं इसको, और ये मेटालिक कलर के अंदर है जी। इस कलर के अभी हम आपको और बेड्स भी दिखाएंगे बाद में। डन। आई लाइक इट फॉर द सिंपलिसिटी। मुझे थोड़ा सोबर चीजें ज्यादा पसंद आती है, बाकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सब चीजें कवर हो रही। ओके डन। ये देखिए, मैग्नानिमसली लार्ज, एक्सट्रीमली ह्यूज हेडबोर्ड एंड परफेक्टली सूटेबल फॉर अ मास्टर बेडरूम इन केस यू हैव अ लार्ज साइज बेडरूम। इसमें आपको रूम का साइज थोड़ा बड़ा चाहिएगा, है ना? हाँ, अराउंड अगर 12 फीट 10 फीट भी रूम का अगर वॉल साइज है तो आ जाएगा। अच्छा, ये विड्थ में ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 9.5 फीट है सिर्फ। अच्छा। जैसे जो फर्स्ट जो हमने बेड देखा था वो 10 फीट विड्थ थी उसकी, ये 9.5 है। ओके डन। इस बेड से हिस्ट्री है, आप बता रहे थे हमको कि दिस इज द बेड जहां से मेटल का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। हाँ, बट वो थोड़ा लो हाइट में चलता था, इसका हाफ पोर्शन चलता था जी। और इसके जो बॉक्सेस हैं वो भी डिफरेंट है। कैसे? इसमें एसएस ऐड हो जाता है, साइड में भी बॉक्सेस में भी एसएस यूज करते हैं, और फैब्रिक का भी, जैसे इस वाले बेड में हमने लगाया तो प्लेन फैब्रिक हो गया, बट इसमें थोड़ा सा डिजाइनर फैब्रिक आ जाए, मतलब डिजाइन आ जाता है बॉक्स के अंदर। ओके, ठीक है। एक हम थोड़ा सा इसके बाद जो बेड दिखा रहे हैं वो भी अलग अपने आप में क्लास है। हाँ जी, वो भी दिखाएंगे, पर इसका मेजरमेंट एक बार मुझे आप फिर से बता दें। दिस इज प्रीटी लार्ज। ये 9.5 फीट था इसकी, और हाइट जो है वो 6 फीट है। 6 फीट है इसकी हाइट। ओके, लेकिन 6 फीट में भी आप देखिए कितना ह्यूज लग रहा है। हाँ, actually, अगर इसकी हाइट हम और ज्यादा कर दे 7 फीट 8 फीट तो बहुत ज्यादा ह्यूज लगेगा। ये बड़ा स्टाइलिश ट्रेंडी बेड है। हाँ जी, स्पेशली बॉयज रूम के लिए बहुत अच्छा है ये। इसकी इसमें कौन सा फैब्रिक यूज किया हमने? इसमें हमने स्वेड फैब्रिक यूज किया है, और जो इस बेड की लुक है एक तरीके से सोफे की लुक है। जब इसमें आप बैक रेस्ट लेते हो तो आपको सोफे जैसा कम्फर्ट मिल जाता है, क्योंकि तो पूरी स्लांट है, और जो इसकी लुक है वो सोफे जैसी है, कर्वेशियस है ये पूरा।
और आप इसको डुअल कलर में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आगे का जो पोर्शन है वो अलग कलर में लेकर के पीछे वाला पोर्शन अलग कलर में ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो उसके अंदर। डन, आई थिंक इट्स नाइस। अगर आपको थोड़ा सा इसको और ट्रेंडी बनाना है तो आप बटन्स भी लगवा सकते हैं इसमें, जहाँ पे बटन्स भी लगवा सकते हैं, चेस्टरफील्ड पोर्टली बटन जिनको बोलते हैं, है ना, उसी कलर। ये स्क्वायर चेस्टरफील्ड हो गया, इसमें जो डिजाइन है स्क्वायर, इसमें दिस इज कॉल्ड एज ऐसा करें कि मान लो ड्यूअल एक्सेंट में किसी को प्ले करना है, फॉर एग्जांपल ये डार्क टोन, ये हमेशा डार्क में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेड टच होता है, और पीछे वाले को हम लाइट अप बेज में रखते हैं और आगे वाले को डार्क बेज में रखते हैं या फिर ब्लू में, और पीछे वाले कलर के बटन्स आगे वाले में लगा लें। हाँ, ऐसा डुअल कलर इसको बना सकते हैं बेड को, है ना, अच्छा दिखाई देगा ये। व्हाट इज योर राइट कमेंट ऑन दैट, ठीक दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा, बटन्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे? बटन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो एक थोड़ा सा सिर्फ लुक के लिए होता है, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है बटन से। ओके, ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। हाँ जी, साइड टेबल्स आएंगे इसके साथ भी, दो पेयर मिलेगा आपको। ये साइड टेबल है, इसकी साइड टेबल में भी थोड़ा सा अलग नीचे वुडन फ्रेमिंग ऐड कर दी है। अच्छा, और फैब्रिक सेम लगा दिया पोर्शन, और आउटर में पॉलिश हो गई है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शन क्या हो सकता है साइड टेबल्स में? अगर साइड टेबल्स का और जो हम बेड के साथ में साइड टेबल देखेंगे वो भी हम लगा सकते हैं, या इसमें कुछ चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, जैसे ग्रे कलर है आप उसके साथ व्हाइट कलर की साइड टेबल लेना चाहते हैं तो व्हाइट कलर लग जाएगा। ओके, या कुछ SS बेस में लगाना चाहो SS लेग के साथ में तो वो भी लग जाएगा उसके। ये हमारा नेक्स्ट बेड है, ये ऑफ वाइट पीयू कलर में है जी। इसमें हमने SS जो लगाया है वो CNC से कटिंग है, लेजर कटिंग मशीन से, साइड टेबल्स में भी और बेड के अंदर भी। अच्छा, हाँ जी, मेटल के? हाँ जी। नाइस, बीच में फैब्रिक कौन सा है? फैब्रिक स्वेड फैब्रिक है, फैब्रिक सब बेडों में ज़्यादातर स्वेड ही लग रहा है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्योंकि हेडबोर्ड थोड़ा छोटा है तो हमने साइड टेबल्स के साथ जो पार्ट है उसको थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा किया, बट वो भी बेड के इक्वल नहीं किया, क्योंकि जनरली क्या होता है फिर सेम बेड लगते हैं एक जैसे सारे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया बेड से। और इसकी जो साइड टेबल्स हैं उसमें हमने थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफरेंट किया है, नीचे उसमें हमने लेग्स भी लगाए हैं वुडन, वो साइड टेबल सिंगल ड्रॉअर के साथ में उसको बनाई है। अच्छा, दिस बिकम्स लिटिल मोर विक्टोरियन है, थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है ये, है ना। ओके, पीयू में ना ये डूको है, पीयू आपने बताया, ये पीयू पॉलिश है। अच्छा, ठीक है, और इसकी भी अलग अलग ग्रेड्स आते हैं? हाँ, पीयू हम लोग एशियन कंपनी का यूज़ करते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। नहीं, अगर बेस अच्छा बना हो, क्वालिटी अच्छी लगी हो तो पीला नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंट सेगमेंट में? हाँ, ये भी एक अलग तरीके का बेड है, और इसको हमने वॉलनट मैट फिनिश के अंदर पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, वाइट थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है, वाइट पीयू ही है ग्लॉस के अंदर, बट जो वॉलेट कलर है वो मैट फिनिश के अंदर है। ओके, इसकी साइड टेबल्स में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, जैसे वुडन लेग्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा जी CNC से जो जाली कटिंग होती है वो ऐड कर दी है, और बेड के बीच में भी एक थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। अच्छा, ये अपने साइड टेबल से मैच करने के लिए। ओके, ये भी किंग साइज है, थोड़ा लो फ्लोर है क्या? ये लो फ्लोर बेड है। अच्छा, लो फ्लोर विद प्लेटफॉर्म बेड है ये बेड है। इसमें हमने और थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया हमने इसमें, कई लोग चाहते हैं कि नीचे से पूरा क्लीन हो जाए, थोड़ा सा ऊपर रहे, उसके लिए ये एक थोड़ा सा मॉडर्न बेड आ जाएगा। फुल कवर्ड विंग के अंदर है, और साइड टेबल्स भी इसकी अलग हैं, ग्रे के साथ हमने ब्लैक मैच किया है। अगर ग्रे के साथ में हम वाइट भी लेना चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं। तो बेड है, इसकी भी विड्थ अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 9 फीट है। इसको हमने दो कलर में किया है, वॉलनट और वाइट। वाइट बेड में नहीं है, साइड टेबल में हमने व्हाइट कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और बॉक्स में फैब्रिक और पॉलिश दोनों चीज ऐड करी हुई है। अब मैं आपको हेडबोर्ड्स दिखाऊंगा। जनरली हमारे पे स्पेस इतना नहीं होता है तो हम लोग हेडबोर्ड्स काफी सारे रखते हैं जी। अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे भी काफी सारे हेडबोर्ड्स हैं। राइट, अभी मैं आपको जितना हो सकता है उतने हेडबोर्ड्स दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ये बेड है, विंग के अंदर है। इस बेड को अगर आप देखेंगे, विंग के अंदर भी SS यूज है और बेड के अंदर भी SS यूज है। राइट, और इसकी अगर फिनिशिंग देखेंगे काफी नीट एंड क्लीन है। इस पे भी हमने स्टिचिंग करी हुई है। ये उसका दूसरा वर्जन है। हाँ जी, थोड़ा बड़ा है उससे। ये थोड़ा सा बड़ा है, उसका विंग सिर्फ यहाँ तक था। उसको भी आप नीचे तक गरा सकते हो विंग को। अच्छा, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है इसका। ये थोड़ा सा विड्थ में स्पेस ज्यादा लेता है, 6 फीट से ज्यादा बड़ा होता है ये, वो 6 फीट के अंदर अंदर आ जाता है। Alright. तो इस चीज का फर्क होता है। फिर ये हमने चेस्टरफील्ड डिजाइन के अंदर बनाया, जैसे चेस्टरफील्ड लोग नॉर्मल बना रहे थे तो हमने विंग के अंदर भी चेस्टरफील्ड बना दिया। नाइस, और इसके अंदर गोल्ड SS यूज किया, बीच में प्लेन आ गया। अब लास्ट बेड में हमने स्क्वायर जो चेस्टरफील्ड देखा था उसमें बटन्स नहीं थे, इसमें बटन्स भी लगे हुए हैं। Exactly. तो बटन्स डिपेंड करता है गेटअप के ऊपर। राइट, उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, ब्लाइंडली यू कैन बाय दिस बिकॉज दिस हैज अ वेरी वेरी सिंपल क्लासी डिजाइन। This will never defy your taste. This will fit in every kind of scheme you want to create in your house.
आई थिंक इट्स द सेफेस्ट डिजाइन. सेफेस्ट डिजाइन है, इसमें सब चीजें कवर हो रही है, कुशन भी आ गया, विंग भी आ गया, राइट. और अगर आपको लगता है कि आपका इंटीरियर बहुत ज्यादा भर गया है जी, तो आप प्लेन बेड ले सकते हो, या आपको कोई डिजाइन समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लेन ले सकते हो. सिंपल सोवर बेड है, कभी आप डिजाइन से बोर नहीं होगे कि आप 5 साल हो गए हैं, बोर हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. कलर्स आप इसमें अच्छे अच्छे चूज कर सकते हो. Exactly. साथ में इसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है ये नॉन फिंगरप्रिंट वाला फैब्रिक है. राइट. ये भी नया डिजाइन बनाया हमने. हाँ जी. ओके. ये वुड है पीछे पूरा? पीछे पूरा वुड है, आउटर भी वुड का आ जाता है. और कुशन आ गया. अब इसमें भी चीजें हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. जैसे जनरली क्या हो गया कि अगर हम बेड के डिजाइन बना रहे हैं, जैसे 50-60 डिजाइन हो गए हैं एसएस के अंदर, ये विदाउट एसएस डिजाइन आ गया. ऑलराइट. किसी को एसएस नहीं चाहिए, प्लेन कुशन में जाना चाहते हो जी, तो उसमें आप ये डिजाइन ले सकते हो. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डार्क के साथ में लाइट. बहुत सारे लोग हैं जो एसएस और मेटल से थोड़ा अवॉइड करते हैं उसको. सबके अपने अपनी चॉइसेस है. बेस्ट होता है इसके लिए. और इसमें आप एक चीज और ऐड करा सकते हैं अगर आप चाहें तो. इसके अंदर एलईडी भी स्ट्रिप ऐड हो जाती है, तो लाइटनिंग अगर आपको बेड के अंदर चाहिए तो एलईडी भी लग जाती है. ऑलराइट. बट आई लाइक इट लाइक दिस. ये सिंपल सोवर बेड तो अच्छा लगता ही है उसका. right. तो कोई फील का इस तरह का, या इससे पहले वाला भी जो था उसमें जब भी आप देखें तो उसकी इवननेस चेक कर लें. ये देखिए कितना इवन बनाया है पूरा, और इसमें एक प्लीट्स दी है, एक स्ट्रेचिंग किया है, फिर उसके बाद में फिर इसमें ये वाला इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है. राइट. अगर आप क्लोजली देखेंगे तो लोअर वर्जन्स में आपको बहुत सारी रिंकल्स दिखेंगी. लोअर वर्जन में बहुत सारी चीज़ों का फर्क होता है. थिकनेस का फर्क होता है, फैब्रिक का फर्क होता है, अंदर जो फोम जिस क्वालिटी की डल रही है उसका फर्क होता है, उसकी right. फोम की थिकनेस, वर्कमैनशिप, जैसे आप रिंकल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके ना एक मोटा अमाउंट बना देते हैं. ये दिस विल बी द हॉट टेक है ना. People will pick up liking for this. बहुत अच्छा है ये. I like it. बहुत अच्छा है. इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका फैब्रिक स्वेड है और प्लेन ना होकर के ना इसमें हल्का सा सेल्फ टेक्सचर है. अच्छा. फैब्रिक के अंदर. राइट. ये डुअल एक्सेंट में है यहाँ पे. और वो जो कलर था सेम कलर है ये? हाँ, ये सेम कलर है. अच्छा. ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर. ऑलराइट. ठीक है. इसमें आपको स्टिचिंग पूरी प्रॉपरली नजर आएगी. उसमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी. Right. तो ये ऐसा उसमें बैठ आता है. आप स्टील का कलर चेंज करना चाहें, स्टील का कलर चेंज कर सकते हैं. तो उस तरीके से आ जाता है. okay. रोज गोल्ड, गोल्ड सिल्वर. अभी क्योंकि बेज बहुत इन है, अगर किसी को बेज करना है तो लाइट डार्क बेज भी कर इस बेड में है. हमारे पास अभी भी बेज में और यहाँ पर रस्ट कलर. अच्छा. और यहाँ पर बेज कलर रेडी है. अगर किसी कस्टमर ने कस्टमाइज कराया तो वो रेडी है, वो भी कल परसों डिलीवर होना है. अच्छा. तो वो भी रेडी है. इसमें कलर कॉम्बिनेशन बनता है. थर्ड कलर ना, इसमें थर्ड कलर अच्छा नहीं लगेगा. हाँ जी. बस इसमें फैब्रिक जो है वो मुझे लगता है जो वाटर मार्किंग आ रहा है फिंगर का. हाँ, आप चाहें तो इसमें नॉन वाटर मार्किंग वाला ले सकते हैं. ये तो वाटर मार्किंग वाला है बट कम है, फिर भी वाटर मार्किंग. अच्छा. थोड़ी सी कम है लेकिन आप बना देंगे अगर वो बन जाएगा. नॉन वाटर मार्किंग वाले बन जाएगा. ठीक है. इस वाले बेड में भी हमने शेप थोड़ी सी डिफरेंट दी है. अच्छा. जैसे स्ट्रेट ना दे करके या विंग ना दे करके इस तरीके से डिजाइन दे दिया, एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता. और इसमें स्टील नहीं दिए, इसमें हमने क्लिप्स लगा दिए हैं, वो भी एंटीक है ब्लू के साथ में. आप कलर और कोई चूज करना चाहते हो और कोई चूज कर सकते हो जी. तो बहुत इस वाले फैब्रिक के अंदर कलर्स 20-25 कलर्स हैं हमारे पास है. हाँ जी. ठीक है. वी आर मेकिंग द सेटअप, कार्विंग का सेटअप करते हैं. तब तक ये बेड और ये और बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को. ये भी अच्छा लगा मुझे. ये भी हमने थोड़ा सा विंग इसमें क्या किया, बाहर ना निकाल करके साइड विंग निकाल दिए. अच्छा. और ये भी बिल्कुल प्लेन सिंपल सोवर है. जैसे इसमें जो इसकी डिजाइनिंग है तो ये स्टिचिंग पूरी, बट इसमें अगर देखोगे तो डिसेंसी आती है बेड के अंदर और exactly. कलर काफी प्यारा लगता है. बेज में है ये? हाँ जी, ये बेज कलर है. ओके. ये कस्टमाइज किया है क्या, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है विदाउट एनी कट, यहाँ पे स्टिचिंग नहीं है. ये कंप्यूटराइज स्टिचिंग है. अच्छा. ये मैनुअली नहीं की हुई है. हाँ? ये कंप्यूटराइज मशीन से स्टिचिंग करी हुई है. ऑलराइट. जनरली इनको लोग पीछे चेयर्स के बैक साइड में, चेयर्स के बैक साइड में, डाइनिंग में, बेड में, हर सोफे में काफी जगह यूज हो रहा है. और इस तरीके का फैब्रिक भी आ रहा है बना बनाया. अच्छा. बट वो हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये गैप देना है. अदरवाइज वहाँ पे एक वो लाइन आ जाएगी, वो लाइन आ जाएगी. अगर स्टिचिंग की लाइन आ जाएगी, फैब्रिक का जॉइंट दिखाई देगा. अच्छा. सकते हैं. जनरली इस तरीके के बेड जो बनते हैं वो MDF के अंदर बनते हैं, बट हमने ये टीक वुड यूज किया हुआ है सारा. ओके. और उसके ऊपर हमने मेटालिक पॉलिश करी है. ऑलराइट. और मेटालिक भी प्रॉपर मेटालिक है. अगर आप इसको क्लोज से अगर थोड़ा सा दिखाएंगे तो इसके अंदर स्पार्कल नजर आएगा आपको मेटालिक के अंदर. राइट. लोग क्या करते हैं कि मेटालिक के नाम पे सिर्फ पेंट कर देते हैं कि जी मेटालिक हो गया जी, उसमें स्पार्कल नहीं आती, ना ही वो स्मूथनेस आएगी ना शाइन आएगी. राइट. तो इस चीज का डिफरेंस रहता है. ठीक है. ये किंग साइज है? ये भी किंग साइज बेड है. ऑलराइट. इसका हम एक बार इसका फुटबोर्ड लगा देते हैं. राइट.
नाउ द सेटअप इज रेडी। हाँ जी, ये पूरा हमारा ऐसा दिखता है गेटअप है इसका। हाँ जी, बताइए। सेम हेडबोर्ड जो है वैसा ही फुट साइड बना है। इस तरीके का डिजाइन हमने यहाँ पर भी बनाया है। इसमें भी कुशन है, इसमें भी कुशन है। इसमें हमने लेदराइट यूज करी है। अच्छा, अगर इस बेड को आप प्लेन कलर में लेते हो, जैसे आपने व्हाइट के साथ में कुछ कलर इसके साथ लिया, तो आप इसमें प्लेन कुशन भी लगा सकते हो। जैसे आपने प्रिंटेड कुशन लगा दिया, फुल प्रिंट हो गया या कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट हो गया, उस तरीके का भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हो। ओके, और कलर पॉलिश, इसमें फैब्रिक ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, पॉलिश के ऑप्शन भी हमारे पास बहुत सारे। रील चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये दोनों में क्या फर्क है बेसिकली? डिजाइनिंग का फर्क है, मटेरियल वाइज कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सिर्फ डिजाइनिंग का फर्क था, थोड़ा बड़ा था क्या वो? वो थोड़ा बड़ा, उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, क्राउन तो इसका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वुड में। अब इसका हेडबोर्ड भी ले आइए, इसका फुटबोर्ड ले आना वो। हाँ सॉरी, फुटबोर्ड भी लगा दीजिए इसका। और ये इसमें हमने फैब्रिक लगाया, उसमें लेदराइट थी। हाँ, उसमें एक शीन था उसके फैब्रिक में। शीन था। ये थोड़ा सा मैट फिनिश का फैब्रिक है और ये भी नॉन वाटर मार्किंग है। ओके, ठीक है। इसका हम एक बार फुटबोर्ड भी लगा लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी। ओह नाइस, डुअल एक्सेंट का पॉलिश है ये। अब जितने भी पॉलिश आप देख रहे हैं कार्विंग इंडस्ट्री में, सब डुअल एक्सेंट ही पॉलिश करते हैं। डुअल एक्सेंट में असल में गेटअप आ जाती है। अगर आप सिंगल कलर में कर देंगे तो अलग से जो ये सब डिजाइनिंग है वो नजर नहीं आएगी इतनी। हाँ, सब पूरा वो एक्चुअली वो हो जाता है, वो पूरा उसके साथ लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, राइट, ठीक है। इसमें हम आपको एक चीज और दिखा देते, अगर आप बेड कोई भी देखेंगे हमारा, अगर आप उसको बैक साइड से भी देखेंगे तो भी आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। जनरली लोग यहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ से भी आपको नीट एंड क्लीन है। ओके, जो बेड बॉक्स के अंदर मिलेगा वैसा ही बेड के बैक साइड पे भी मिलेगा। Perfect. इस तरीके के अगर आप पॉलिश वाले बेड में जाते हैं तो। ओके, ये पूरा टिकवुड के अंदर बना हुआ है बेड। अच्छा, जितना भी आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये पूरा टिकवुड के अंदर बनता है। ऑलराइट, जो प्राइमरी मटेरियल होता है वो तो प्लाईबोर्ड ही रहता है। बट सारा वुड के अंदर बनता है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक जितने भी है सारे वुड के अंदर है। और इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, ये नेचुरल कलर है। ओके, इसीलिए इतने ग्रेन्स इसके ग्रेन्स इतने विजिबल है। अगर इसको आप मैट फिनिश में भी लेते हो तब भी इतने ही ग्रेन्स विजिबल आएंगे। जैसे लोग शीशम का बेड देखते हैं कि शीशम में ग्रेन्स नजर आ रहे हैं या वो प्लेन सिंपल सोफा नजर आ रहा है, लेकिन उसमें वुड जो ब्लॉक साइज होता है वो छोटा छोटा होता है। ये टीक वुड का बना हुआ, यानी सागवन का बेड बना हुआ। इसके ब्लॉक्स का साइज अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा बड़ा है। एग्जैक्टली, और इसके जो ये जो वुड है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, उससे सारी चीजें डिपेंड करती है। ऑलराइट, कलर के अंदर डाइनिंग बनाया है, इसको हमने रोज गोल्ड कलर दिया है। अगेन, इसको भी अगर आप क्लोजअप देखेंगे तो इसमें भी स्पार्कल आपको नजर आएगी जी। सिर्फ पेंट नहीं है, प्रॉपर मेटालिक आपको पीयू मिलेगा। ठीक है। और इसके ऊपर जो टॉप मार्बल जो यूज किया नेचुरल ऑनेक्स है। ओके, वो भी पॉलिस्टर फिनिश के साथ में ही है। ऑलराइट, डन। क्योंकि इसमें प्रेशियस स्टोन है ऊपर क्वार्ट्ज है। हाँ जी, इसके लिए ये होता है और एक एक छोटे छोटे पीसेस को मिला के बनाया जाता है। हाँ जी। इसमें क्योंकि रोज गोल्ड है इसलिए आपने पिंक कलर का कपड़ा दिया हुआ है। फैब्रिक कलर पॉलिश पूरी एक थीम हमने इस तरीके की बना दी है। जैसे अगर कई लोग सोफा इस कलर का लेते हैं तो डाइनिंग उसके साथ में काफी अच्छा लगेगा ये जी। ये भी वुड में है, ये भी प्रॉपर टीक वुड में बना हुआ है। इसके ऊपर भी हमने मेटालिक कलर किया हुआ है जी डाइनिंग के ऊपर, और नेचुरल ऑनेक्स यूज किया है। ओके, मार्बल कस्टमर चाहे तो चेंज कर सकता है, उससे थोड़ा सा कॉस्ट आपकी वेरी करती है, डाउन भी जा सकती है और अप भी जा सकती है। ठीक है। इसकी जो डाइनिंग की चेयर्स है वो इस तरीके से है, ये मेटालिक के अंदर है। ऑलराइट, डन। फिर हमने एक कार्विन के अंदर ये वाला डाइनिंग किया है, इसके अंदर हमने डुअल फैब्रिक यूज किया, पीछे प्रिंटेड फैब्रिक है, आगे प्लेन फैब्रिक है, वाइट ऑनिक्स के साथ में सिल्वर मेटालिक कार्विन वर्क के अंदर यूज किया है। फिर अगेन एक और हमने मेटालिक के अंदर ये भी बनाया। इसमें जो डिजाइनिंग करी है, जो लेग्स में डिजाइनिंग है वो ही हमने साइड में भी कर दी, और चेयर्स में भी हमारे पास चेयर्स में भी सेम डिजाइन आएगा। बिल्कुल, और चेयर बिल्कुल, और इसका जो ऑनिक्स है इसके ऊपर, ये कंपोजिट ऑनिक्स है विद एसएस हमने इसमें किया है और पॉलिश्ड फिनिश के साथ में। हाँ, ये फिर एक डाइनिंग टेबल ही आएगी। इस पर हमने क्या किया, प्लेन वुड में बनाया है इसको। प्लेन सिंपल सोवर लेग्स हैं, ऊपर का टॉप प्लेन है, अगर कोई चाहे तो ग्लास मार्बल ऐड करा सकता है, बट ये काफी सिंपल सोवर है। और इसकी चेयर्स देखेंगे तो आर्मरेस्ट आ जाते हैं साथ में। अच्छा, इसमें आपको आर्म सपोर्ट मिल जाता है। राइट, सारी चेयर्स के ऊपर आर्म सपोर्ट है, इसमें ज्यादा मिल जाता है, उसमें तो थोड़ा सा ही आर्म सपोर्ट मिलता है जो हमने पहले चेयर्स देखी थी। राइट, इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं आप, चाहें तो इसके ऊपर टेबल का टॉप भी चेंज कर सकते हैं। ये पॉलिस्टर फिनिश के अंदर है जी, और इसमें चेयर में बैक में ये डिजाइन है और मार्बल इस तरीके का लगा हुआ है। मार्बल के ऊपर भी हमने पॉलिस्टर यूज किया हुआ है, डाइनिंग टेबल के अंदर भी पॉलिस्टर यूज है जी। ये इनले है इसके अंदर और ये कॉम्पोजिट ऑनिक्स।